रहीम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू विल बी ऑल फाइन स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू सुहरी लियोखों जो बुक्स एंड कम टू पेज नंबर 33। कल हमने इसकी रीडिंग कर ली थी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। सो टेक योर पेंसिल्स एज वेल और ऊपर लिखें डेट एंड डे लिखें, घर का काम लिखें, ठीक है। और आज की तारीख लिख ली आपने, तो अभी हम याद करने जा रहे हैं अल्फाज मानी, ठीक है। अल्फाज मानी जो होते हैं आपके वर्ड्स मीनिंग, चक्राता घूमता हुआ, तौर तरीका दोष कसूर, लौट आना मीन्स के वापस, ख्वार होना परेशान, बूट जूता। ये आपने अल्फाज मानी अच्छे से याद कर लिए तो आप नीचे आ जाएंगे मारूजी सवालात पे, आपने यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लिखना भी है और इसको आपने हर जगह में लिख के यहाँ पे इसमें दायरे में रंग भी भरना है, ठीक है। मदरसा डैश दूर था, मदरसा कितने दूर था जी, आधे मील। मदरसा कितना दूर था, आधे मील दूर था, ठीक है। उसका बाद मदरसे डैश बजे पहुँचना था, मदरसे कितने बजे उसका स्कूल लगता है जी, मदरसे कितने बजे, 8 बजे पहुँचूँ कैसे, मदरसा 8 बजे उसको पहुँचना था। मदरसे पहुँचने में सिर्फ डैश मिनट बाकी रह गए थे, मदरसे पहुँचने में उसे कितने मिनट बाकी रह गए थे, 10 मिनट ही हैं बाकी, उसको कितने मिनट बाकी रह गए हैं जी, 10 मिनट। आप पीछे से इसको आंसर देखते भी रहना, ठीक है। लास्ट माने डैश की कील चुभ रही थी, जूते की कील, किसको उसको कौन सी चील कील लगी थी, जूते की कील, आप पीछे देख लें उसके जूते में कील लगी थी, तो जूते की कील चुभ रही थी। स्टूडेंट्स आज आपने यही इसकी एक्सरसाइज लर्न करें जो पेज नंबर 33 पे है, इसको आप फिल भी करेंगे और इसका साथ यहाँ पे आप आंसर भी ब्लैंक्स में लिखें, लिखे क्योंकि वहाँ पे लिखा है खाली जगह में लिखिए भी, तो आपने लिखना भी है, मैंने जैसे आपको आंसर बता दिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप इजीली इसको लर्न एंड राइट कर लेंगे। सो स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।